ये लो नमक वाली चाय। राधा का है? पता नहीं, बोलकर तो गई थी पानी लेने जा रही है, अब तक नहीं आई। अभी तक तो हमें भोपाल पहुंच जाना चाहिए था। मुझे पता है राधा क्या करना चाहिए। क्या? वो हमें थोड़ी सी तन्हाई देना चाहती है, बस तुम मैं और तन्हाई। अरसे से मिला ये पल नसीब से, जी भर के देख लो मुझे करीब से। कुछ कहो राया, पुल खफा हो जाएगा हमसे। नहीं, मुझे कुछ कहना है और नहीं कुछ सुनना है। रूबरू तू है, लहू तू, तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। शायद इस पल की किस्मत में शक पे हूँ जिंदा, सिर्फ खामोशी लिखी है। शक पे हूँ जिंदा, कुछ नहीं कहूंगा। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। तू ही साया, अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है, तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। मिस्टर मजनू, हमें भोपाल भी पहुंचना है और आधा तक आई नहीं है। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, लगता है तनाई के इस पल की तरह वो भी नाराज है। यार मेरा ईद दिवाली, यार के बिन ये तन मन खाली। यार मेरा काबा काशी, यार से भर जाए रूह की प्याली। यार बसा लूं रोम रोम दीवानी बन जाऊं, और कहां रब ढूंढूं मेरे। लाइफ में बीवी को शर्मिंदा नहीं किया तो क्या किया? चलो भाभी, मुझे मिटाने दो। तू ही तब था, तू ही अब है, जग है जब से तब से तू है, मेरी हस्ती, मेरा रुतबा, मेरी दौलत शोहरत तू है। एक बूंद शक पे जिंदा। अरे मैं दो मिनट पानी क्या पीने गई, यहाँ तो प्यार की गंगा जमुना बहने लग गई। कितना पानी पी रही थी तू? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, बताओ ना। अच्छा ठीक है, चले। हाँ समंदर। अरे यहाँ तो तुम्हारी जगह है, अपने पति के पास। तू ही साहिल, चल बैठ। कहता है एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। बोला आप बेटी भाऊ बासु, अरे भाई कहाँ हो सबके सर? क्या बात है, जब गए थे तब तो बहुत टेंशन में लग रहे थे, पर आए इतना खुश खुश हैं। अरे भाई आपको देख के हमारे चेहरे पे मुस्कान खिल जाती है। अरे
बेटा ये क्या है यार, फूलदान पे फूल मुरझा रहे हैं, बदलो इन्हें। पापा कोई फंक्शन है? हाँ हाँ, अरे लेकिन बेटी बहू आपने कुछ बनाया कि नहीं मीठे में? नहीं पापा, अभी तो कुछ नहीं बनाया। ए, तो फिर बनाइए, जलेबी 1 किलो। 1 किलो किसके लिए? अरे भाई हमारे लिए और किसके लिए। और शुगर, इस घर में डायबिटीज किसे है ये आपको बताना पड़ेगा। अरे भाई चिंता मत कीजिए। डैड आपके पास डेफिनेटली कोई गुड न्यूज है, सच बताइए ना। बेटा बताने की नहीं है, देखने की है। Just wait and watch. गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज आने वाली है जयराज। एक ऐसी बुरी खबर कि सबके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। कहते हैं ना जितना हंसो उतना ही रोना भी पड़ता है। रोने का वक्त आ गया है, किसी भी वक्त घंटी बज सकती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। लगता है युग आया होगा पंडित जी को लेकर। शायद गले के बच्चे होंगे, बैल बजा के भाग गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मेरी बेटी आएगी। मैं जानती थी तू ही है। मुझे ना देखते हुए भी मेरे होने का एहसास हो जाता है आपको, फिर ये एहसास क्यों नहीं हुआ मां कि सच जानने के बाद मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? किस सच के बारे में बात कर रही है तू? मैं समझी नहीं। यही कि आपने मृत्युंजय से कसम ली थी कि वो जेल वापस चला जाए। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर वो जेल चला गया तो तेरी तरह की टूट जाएगी। मैं तो सिर्फ तेरे भले के बारे में सोच रही थी तारा, तुझे हर दुख से बचाना चाह रही थी। दुश्मन नहीं हूं मैं तेरी, मां हूं। प्यार करती हूं तुझसे बेटा। ठीक इसी तरह मैं भी प्यार करती हूं अपने पति से। तुझे याद है मैंने कहा था ना कि अपने पति की बेगुनाही का सबूत मैं लेकर आऊंगी। मुझे विश्वास था कि मेरा पति बेकसूर है, तो आज मैं उसकी बेगुनाही का सबूत अपने साथ लेकर आई हूं। ये वही लड़की है था जिसके खून के इल्जाम में मृत्युंजय को सजा मिली। अब तुम्हें बता मृत्युंजय की बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? प्लीज मां, मृत्युंजय को अपना दामाद स्वीकार कर लो, अपना लो मेरे पति को मां। जी आंटी, ये समझिए कि आपकी बेटी बहुत खुशनसीब है, उसको मृत्युंजय जैसा पति मिला है। कहाँ है वो?
मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, आप मुझसे कैसे माफी मांग सकते? अरे आपसे तो मिलकर मैंने जाना है कि माँ क्या हो, ममता क्या हो। माँ जब बेटे के सर पे हाथ रखती है तो क्या सुकून मिलता है। इतने अरसे बाद में आजाद महसूस कर रहा हूँ। सच तो ये कि आपको दुख देकर मैं जीना नहीं चाहता था। माँ, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे बेटा, कितनी बड़ी भूल। भगवान ने मेरी बेटी को हीरा दिया और मैंने मैंने उसे टूटा कांच का टुकड़ा समझकर उसे दुत्कार दिया। मैंने आज तक हमेशा तुम्हारे साथ कड़वा बोला है बेटा, लेकिन आज मैं भगवान से यह दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। आपने मुझे तो गले लगा लिया, लेकिन आपकी बेटी तारा अभी भी आपके सीने से लगने के लिए तड़प रही है। एक काम अभी भी बाकी है, एक सपना अभी भी अधूरा है, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। माँ, ये किस बात की पूजा है? तुम अंदर आओ। बाबा ने मुझे फोन करके बताया था, लेकिन तुम्हारी हालत देख के मैंने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा। तो मैं जानता हूं ये राधा का भाई है। हमारे बाबा को किसी ने हमसे छीन लिया। उनकी तो किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। जिसने भी ये पाप किया है
मुझसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। ये मेरा तुम दोनों से वादा है। लेकिन हमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब तक बाबा के हथियारे नहीं मिल जाते, हमें राधा को सबकी नजरों से छुपा के रखना होगा। राधा की जान खतरे में, अगर हथियारे को पता चल गया कि राधा जिंदा है तो वो फिर से हमला कर सकता है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि राधा भी इस घर में रहती। अरे वाह मिठी बहू, कितनी जल्दी आपने मिठाइयां तैयार कर दी है। जयराज जी, आप तो बता दीजिए ओकेजन क्या है। आज ना ही किसी का बर्थडे है और ना ही एनिवर्सरी। बहू के सवाल का जवाब दो जयराज। भाई साहब रुकिए ना, थोड़ी देर में खुद ब खुद पता चल जाएगा। वो आ गए। आपके स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। पापा ने तो एकदम सरप्राइज बना रखा था। वही तो, तब से हम लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या बात है। कितना इंतजार करवाया आप दोनों ने हमें। आप दोनों नहीं जानते कि एक एक पल कैसे बीता हम। अरे ये चोट कैसे लगी? हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आपने हमें बताया नहीं इस बारे में? ये रुद्र भाई साहब के चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? माशाल्लाह, अल्लाह बचाए बुरी नजर से। ये बताओ पीर बाबा से रहमत पाई कि नहीं? हाँ फहीम चाचा, खूब रहमत पाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। आमीन। अरे वाह, अरे फहीम मियां, भाई सबका मुंह मीठा करवाओ जलेबी से। हैं भाई, बड़ी मेहनत से बनाया मीठी बहू ने। हैं प्रणाम ताया जी, हमें सही सलामत देखकर आपको खुशी तो हुई होगी ना? अरे बेटा, ये समझिए कि इनकी जान में जान आ गई। बहुत परेशान थे आपके लिए। अब भाई साहब, बेटा मुझे भी खिलाओ ना भाई साहब। आया जी। नहीं, हमें जरा वो दवाई खानी है ना, आप लोग खाइए। ये लीजिए भाई। ये दोनों अगर जिंदा हैं तो इसका मतलब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन राधा भी, मेरे गुनाहों का सबूत राधा भी जिंदा है। या इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि वो भी बच गई है।
बच गई है। पर बेटा राधा को बचाया किसने और इतने दिनों तक लोगों से छुपा कर क्यों रखा? राधा को काका ने बचाया था और उन्होंने अब तक उसे इसलिए छुपा के रखा था क्योंकि उन्हें डर था जिसने उसके साथ ऐसी दरिंदे वाली हरकत की थी वो फिर से हमला कर सकता था। और जिस बात का डर था वही हुआ। राधा जब रैली में आई उस दरिंदे ने गुंडे भिजवाकर उसे वहां से अगवा करवा ली। अरे है कहां वो तीनों गुंडे? इतना जरूरी काम सौंपा था उनको और अब उनका नंबर भी नहीं लग रहा है। जहां कहीं भी है ढूंढो और पता करो कि ये तीनों बच कैसे गए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। पर बेटा राधा को बहुत सहना पड़ा। ये सोचकर भी हमारी रूह कहां फूटती है। हमें जी जान लगाकर उसकी हिफाजत करनी होगी, उसे कहीं अच्छी जगह छुपाना होगा। हाँ बाबा, हमने भी यही सोचा है। राधा जिन तकलीफों से गुजरी है उसे अब वो तकलीफ हम नहीं सहने देंगे। वो दुनिया की नजरों से गायब ही रहेगी। गायब हो गए मतलब? उस दिन से कोई खबर ही नहीं है उनकी? अरे तो जमीन निकल गई कि आसमान खा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जहरीली गैस में वो तीनों मर गए और ये तीनों बच गए? बनाए बनाए प्लान पर पानी पे।